नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एनडीए क्या है। अगर आप एनडीए से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं या फिर आपने एनडीए का फॉर्म भर रखा है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एनडीए से जुड़े सभी मेजर पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जिसमें कि हम फिजिकल स्टैंडर्ड साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों की बात करेंगे, और साथ ही इसके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस इसका क्या होता है, साथ ही अगर आपका इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी दी जाती है, इन सभी मेजर पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या है। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से इसे जो है जाना जाता है। एनडीए जो है देश की सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा है, यानी कि देश में जो सैनिक की परीक्षा होती है सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो एनडीए है। इसकी परीक्षा जो है वो यूपीएससी कराता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसकी परीक्षा कराई जाती है, और इस परीक्षा को आप पास करके जो है सेना में अधिकारी बन सकते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं में से अगर आप किसी भी सेना में आप अधिकारी पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप जो है एनडीए की परीक्षा देके, यानी कि एनडीए का जो है एग्ज़ाम देके आप जो है अधिकारी बन सकते हैं। इसकी परीक्षा जो है साल में दो बार होती है, और जो पहली परीक्षा होती है वो अप्रैल में होती है, अप्रैल महीने में इसकी परीक्षा होती है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है दिसंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए थे और 12 जनवरी तक जो है इसके फॉर्म भरे गए थे, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल महीने में होगा। उसके बाद में जो दूसरी परीक्षा होती है वो सितंबर महीने में होती है, इसका फॉर्म मई या जून महीने में आएगा। तो अगर आप जो है इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो मई या जून में जो इसका फॉर्म आएगा उसका फॉर्म भर के आप सितंबर महीने में आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। अगर हम साफ शब्दों में कहें कि अगर आप भारतीय सेना में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, आप इन सेनाओं में किसी भी सेना में से जो है आप अधिकारी पद पर जो है भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जो है एनडीए की परीक्षा देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता, यानी कि पढ़ाई कितनी मांगी जाती है। तो इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है 12th 60% मार्क के साथ में, अगर आप इंटरमीडिएट जो है 60% मार्क के साथ में उत्तीर्ण हैं तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो आप वैसे ही भर सकते हैं, अगर आप जैसे एग्ज़ाम यानी कि 12th का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तब भी आप जो है एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आपका 60% मार्क जो है होना ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी में सेना के पद पर जाना चाहते हैं तो आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से अगर पास हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप जो है इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी रैंक पर जो है भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपका फिजिक्स और मैथ, यानी कि फिजिक्स मैथ के साथ में जो है आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल अनमैरिड कैंडिडेट यानी कि अविवाहित कैंडिडेट ही इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल वही जो है इस परीक्षा में जो है शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है। तो तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग इसका फिजिकल का स्टैंडर्ड है, लेकिन जो हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट मांगी जाती है, तो लगभग जो है हाइट इसमें सबकी हो जाती है, लेकिन जो है वजन जो है आपका हाइट के ही हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। और तीनों सेनाओं के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनका फिजिकल का स्टैंडर्ड जो है अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, कि यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो जो इसका स्टैंडर्ड बनाया गया है, अगर आपकी उम्र 16.5 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक है, यानी कि 16.5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 19 वर्ष से आपकी उम्र जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके इस परीक्षा में जो है आप बैठ सकते हैं। और इसमें जो है एज की छूट किसी को भी नहीं दिया जाता है, आपकी उम्र जो है 16.5 से अगर 19 वर्ष है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है वो दो चरणों में होता है, पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाता है। रिटन, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब रिटन एग्ज़ाम में जो है आपका दो पेपर होता है, पहला पेपर जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है,
जो कि आपका इसमें 120 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मैथमेटिक्स का पेपर होता है और आपका जो है इसमें 120 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, यानी कि सामान्य योग्यता का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल यानी कि 270 क्वेश्चन का जो है ये पेपर होता है। और जो है प्रत्येक पेपर के लिए आपको ढाई ढाई घंटे का समय दिया जाता है और 900 अंक का जो है ये पेपर होता है, यानी कि टोटल जो है 900 अंक का, 300 अंक का आपका मैथमेटिक्स होता है और 600 अंक का जो है जनरल अवेयरनेस का होता है। अगर आप एक कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपका जो है 1.33 मार्क का जो है माइनस मार्किंग भी होता है। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना होगा बहुत ही जो है तरीके से, आपको सही तरीके से आपको देना होगा। उसके बाद में अगर आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। SSB इंटरव्यू भी आपका जो है 900 अंक का होता है, रिटर्न एग्जाम भी 900 अंक का होता है और SSB इंटरव्यू भी आपका जो है 900 अंक का होता है। और ये जो है दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण जो होता है वो स्क्रीनिंग परीक्षा होता है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और स्क्रीनिंग टेस्ट पहला चरण में आपका ये होता है और दूसरे चरण में आपका समूह परीक्षण और अधिकारी परीक्षण जो है किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर वन की, यानी कि फर्स्ट पेपर में जो है कहां कहां से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे बीजगणित हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, अंतरकलन हो गया, समाकलन हो गया, वेक्टर बीजगणित हो गया और सांख्यिकी, इन सभी जो है चैप्टर से आपके जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे पेपर में यानी कि पेपर टू में, ये भी जो है 150 यानी कि क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें अंग्रेजी से, GK से, सामान्य विज्ञान से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, भूगोल से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से और साथ ही करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो इसमें जो है सैलरी जो है 56,100 रुपये से लेके लगभग 2.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जाती है। और ये रैंक के अनुसार और साथ ही आप जो है किस सेना में जा रहे हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, जैसे 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 आपकी पोस्टिंग चेंज होती जाती है, मान लीजिए सबकी अलग अलग जो है सैलरी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल मेजर, सबकी अलग अलग सैलरी होती है। तो जैसे जैसे आप जो है पोस्ट, आपका समय बीतता जाता है, आपकी पोस्ट जैसे इंक्रीज होती जाती है, आप ऊंचे पद पर चले जाते हैं, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी जो है इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो सैलरी है 56,100 रुपये से लेके लगभग 2.5 लाख रुपये तक जो है इसकी सैलरी जाती है। तो मैंने इसमें जो भी NDA से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपका कोई भी पॉइंट यानी कोई भी सवाल रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।